गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम लोग ईवीएस की क्लास में चैप्टर थर्ड प्लांट अराउंड अस स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 15 निकालो। आज की डेट डे एंड क्लास तक मेंशन करो। सबसे पहले आज की डेट डे एंड क्लास वर्क। आज की डेट डे एंड क्लास वर्क मेंशन करो। चैप्टर है हमारा प्लांट्स अराउंड अस। चैप्टर है हमारा प्लांट अराउंड अस। आपने देखा होगा आप लोगों की डेली लाइफ में या फिर आपके घर के बाहर, देखो आप घर से बाहर अगर कहीं जा रहे हो या आपके घर के आसपास देखो, आपके स्कूल के आसपास आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे चारों ओर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन पेड़ पौधे डेफिनेटली होते हैं। तो ये हमें इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेने के काम आते हैं। फिर वो चाहे पेड़ नीम का हो, पीपल का हो, या फिर कोई फ्रूट का ट्री हो जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, इनके ट्री हो, लेकिन ट्री जो होते हैं वो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए ही नहीं, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम इस चैप्टर में कुछ इस तरीके के टॉपिक्स पे ही डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट देखो टाइम टू थिंक वाली एक्टिविटी देखो ज़रा। सो फर्स्ट देखो क्रॉस द ऑड वन आउट। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें जो सबसे ऑड है उसे हम उसके आगे हम लोग क्रॉस लगा देंगे। तो फर्स्ट देखो माइस, जवार, सोयाबीन एंड वीट। फर्स्ट में क्या दिख रहा है? माइस, जवार, सोयाबीन एंड वीट। तो इसमें देखो माइस, जवार और जो वीट है वो हमारे सेरल्स है, वो हमारे सेरल्स है, यानी जिसमें गेहूं, बाजरा एक्सेट्रा जो आते हैं वो हैं। इनको हम लोग धान कहते हैं, इनको हम लोग हिंदी में धान कहते हैं और इंग्लिश में सेरल्स कहते हैं। तो माइस, जवार एंड वीट जो है वो हमारे धान हो गए, और जो सोयाबीन लिखा हुआ है, सोयाबीन हमारा सेरल्स नहीं है यानी धान नहीं है, तो सोयाबीन को टिक कर दो, क्रॉस कर दो। आपको ये क्रॉस उस बॉक्स में आए इतना छोटा ही बनाना है, मेरी तरह बड़ा नहीं बनाना है। माइस, जवार, सोयाबीन एंड वीट, इसमें जो माइस, जवार और जो वीट है वो हमारे सेरेक्स हैं यानी धान है, और सोयाबीन जो है वो धान में इंक्लूड नहीं होता है। कंप्लीट, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला देखो ज़रा, सेकंड क्या कह रहा है? पटैटो, स्पेनिश, शुगर केन, जिंजर। पटैटो क्या है? वेजिटेबल। स्पेनिश क्या है? वो भी वेजिटेबल। शुगर केन क्या है? फ्रूट। शुगर केन क्या है? फ्रूट। आप गन्ने का जूस पीते हो ना, तो गन्ना किस में आता है? फ्रूट में आता है। और जिंजर, अदरक भी वेजिटेबल्स में आता है। तो बाकी सब वेजिटेबल्स है लेकिन एक जो है वो हमारा फ्रूट है, और वो कौन सा? शुगर केन। तो शुगर केन को क्रॉस कर दो। फर्स्ट में सोयाबीन, सेकंड में हमने शुगर केन को किया। समझ में आया कैसे आउट वन को हम लोगों को क्रॉस करना था? नेक्स्ट देखो
थर्ड नंबर वाला, कैशियो नट्स, पीनट नट्स, आमंड, बाजरा। तो इसमें देखो जो कैशियो नट्स, पीनट नट्स और आमंड है उन्हें हम लोग नट्स कहते हैं, उन्हें हम लोग नट्स कहते हैं। लेकिन जो बाजरा दे रखा है वो बाजरा क्या हो गया, वो धान सेरेस हो गया। बाजरा क्या हो गया, सेरेस यानी धान। तो इनमें जो ऑड वन क्या हो गया, सेरेस यानी बाजरा। तो बाजरे को क्रॉस कर दो। थर्ड नंबर, थर्ड में बाजरे को क्रॉस कर दो। कंप्लीट, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो फोर्थ, टमाटो, पाइनएप्पल, मैंगो, ब्रिंजल। टमाटो, पाइनएप्पल, मैंगो एंड ब्रिंजल। अब इसमें देखो टमाटो और जो ब्रिंजल है वो तो हो गई वेजिटेबल, पाइनएप्पल और जो मैंगो है वो भी हो गए, वो हो गए हमारे फ्रूट्स। तो मैंगो और पाइनएप्पल को क्रॉस करो आप लोग। क्योंकि ये दो फ्रूट्स हो गए और दो वेजिटेबल्स हो गए हैं, तो या तो आप दोनों फ्रूट्स को क्रॉस कर दो या फिर दोनों वेजिटेबल्स को क्रॉस कर दो। मैं दोनों फ्रूट्स को कर रही हूँ। लास्ट जो फोर्थ वन है बेटा, उसमें देखो दो वेजिटेबल्स हो गए हैं और दो ही फ्रूट्स हो गए हैं। तो जो फ्रूट्स को क्रॉस कर रहा है वो फ्रूट्स को कर लो, और जो वेजिटेबल्स को क्रॉस करना चाहता है वो वेजिटेबल्स को क्रॉस कर लो, क्योंकि इसमें दो दो ऑप्शंस दिए हैं। डू इट फास्ट, देन आफ्टर हम लोग चैप्टर रीड आउट करते हैं। स्टार्ट करूँ चैप्टर में, तो फर्स्ट देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ ए प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट टाइप ऑफ ए एनवायरमेंट। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्लांट्स होते हैं हर एक जगह हर एक प्लांट नहीं उगता है, वो ग्रोथ नहीं करता है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में नारियल के पेड़ नहीं होते हैं। राजस्थान में नारियल के पेड़ नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो साउथ साइड में होते हैं। वैसे ही जो राजस्थान में जो पेड़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंगो ट्री ले लो, तो मैंगो ट्री वहां पे नहीं होता। मैंगो ट्री हमारे जम्मू कश्मीर हरियाणा इस साइड में होते हैं। तो हर एक प्लांट को अपना अलग एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट चाहिए, वो वहीं पे उसी के अकॉर्डिंग ही ग्रोथ होता है। प्लांट आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। अब सब प्लांट की अलग अलग शेप होती है। जैसे कि देखो, अगर आपने हिमाचल साइड में देखा हो तो वहाँ जो ये मैंगो की खेती करते हैं, आम की खेती करते हैं, वो प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुछ मैंगो के प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं। वैसे ही कोकोनट का, अगर कोकोनट बनाना ट्रीज देखे हों आपने, तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। कोकोनट और बनाना ट्रीज जो होते हैं वो हाइट में अगर आपने देखे हैं तो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। लेकिन जो एप्पल के ट्रीज देख लो, या फिर मैंगो ट्रीज देख लो, अमरूद के ट्रीज देख लो, जिसको इंग्लिश में ग्रावा कहते हैं हम लोग, तो वो सब उनकी हाइट थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हर एक प्लांट का अपना खुद का एक साइज और शेप होता है। दे ग्रो इन लैंड एंड इन वाटर। मोस्ट प्लांट बियर ग्रीन लीफ। जो प्लांट्स होते हैं
वो अपने अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से ग्रो करते हैं। कुछ लोगों कुछ प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है तो वो ज़्यादा गीली मिट्टी में जल्दी जल्दी पनपते हैं यानी ग्रोथ करते हैं। कुछ लोग कुछ प्लांट्स को सूखा एनवायरनमेंट यानी जो कम पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं। प्लांट्स की ग्रीन लीव्स होती है ये तो आप लोगों को पता होगा, मोस्ट ऑफ प्लांट्स की लीव्स जो होती है वो ग्रीन होती है। नेक्स्ट देखो टॉपिक है हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जिन पे फ्लावर्स लगते हों, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जिन पे फ्लावर्स लगते हों। तो देखो ज़रा, प्लांट दैट बियर फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। जिन प्लांट्स पे फ्लावर लगते हैं यानी जिन प्लांट्स पे फूल लगते हैं उनको हम लोग फ्लावरी प्लांट्स कहते हैं, उनको हम लोग फ्लावरी प्लांट्स कहते हैं। फ्लावरी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू शीड। जो फ्लावरी प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं किससे, वो वापस रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं शीड को। आपने देखा होगा कोई भी आप फूल ले लो, किसी भी किस्म का फूल होता है उसके अंदर जो होते हैं कुछ बीज होते हैं, फूलों के अंदर बीज होते हैं, उनसे हम उन प्लांट्स को वापस उगा सकते हैं। तो देखो कौन कौन से एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ, सनफ्लावर, पैंसी, बेल फ्लावर और पॉपी, ये फ्लावर्स दिख रहे हैं। इनके बीच में देखो ज़रा, सनफ्लावर के बीच में जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसके सीड्स होते हैं, यहाँ पे इसके सीड्स होते हैं। गॉट इट, समझ में आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ए प्लांट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट लिखा है ट्री, फर्स्ट क्या लिखा है ट्री। ट्री आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। ट्री क्या होते हैं, जो लंबे और स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। आपने किसी पौधे को देखा होगा उसकी जो स्टीम होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, लेकिन पेड़ जो देखा है आपने, पेड़ का जो तना होता है वो कितना मोटा होता है, क्यों, क्योंकि वो उस पूरे पेड़ को जड़ से जोड़ के रखता है। दे हैव अ थिक एंड ब्राउन स्टीम कॉल्ड ट्रंक। जो पेड़ का जो तना होता है जो मोटा और ब्राउन कलर का होता है उसे हम लोग ट्रंक कहते हैं, क्या कहते हैं ट्रंक कहते हैं। ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस एंड लीव। ट्रीज में बहुत सारी ब्रांचेस और लीव्स होती हैं। दे लीव फॉर मैनी ईयर्स। और पेड़ की जो उम्र होती है यानी उसकी जो एज होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। बनियान एंड नीम आर एग्जाम्पल ऑफ ए ट्री। बनियान ट्री जो होता है वो उसको बरगद के पेड़ को कहते हैं, जिसको आपने देखा होगा बरगद का जो पेड़ होता है वो बहुत ही बड़ा विशाल होता है और उसकी जटाएं होती हैं। आज आप लोग गूगल पे सर्च करना आपको बनियान ट्री दिख जाएगा कैसा होता है। सेकेंड इज नीम, ये तो कॉमन ट्री है क्योंकि सबके आज घर के आसपास में होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा। नाउ पेज टर्न करो ज़रा। कम टू द पेज नंबर 16। सेकेंड इज स्क्रब। स्क्रब आर वुडी एंड ब्रशी प्लांट। जो स्क्रब होता है वो क्या होता है देखो ज़रा, दे लीव फॉर अ फ्यू ईयर्स। आपने देखा होगा पेड़ तो बहुत बड़ा होता है लेकिन जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग पौधा कहते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग पौधा कहते हैं, अगर आप में से किसी ने रोज़ का पौधा देखा हो तो उसकी हाइट पेड़ जितनी बड़ी नहीं होती है और उसकी जो स्टीम होती है उसका जो तना होता है वो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा मोटा होता है लेकिन इतना मोटा नहीं होता है। कुछ हद तक वो ग्रीन होता है और कुछ हद तक वो ब्राउनिश होता है। स्क्रब आर वुडी एंड ब्रशी प्लांट, दे लीव फॉर अ फ्यू ईयर। और इनकी उम्र कुछ साल तक ही होती है, इनकी उम्र कुछ साल तक ही होती है। रोज, हबिकस एंड ब्रोगनवेला आर एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्रब। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से दे रखे हैं, रोज, हबिकस एंड ब्रोगनवेला, ये इसके स्क्रब के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। समझ में आया, स्क्रब किसे कहते हैं, जिसकी हाइट पेड़ से थोड़ी कम होती है, जिसकी स्टीम जो होती है वो वुडी एंड ब्रशी होती है
और उनकी एज जो है कुछ फ्यू ईयर तक ही होती है। और एग्जांपल आपको बता दिए मैंने क्या होते हैं। कम टू द नेक्स्ट थर्ड हर्ब्स। हर्ब्स क्या होती हैं देखो ज़रा। हर्ब्स आर टेंडर प्लांट विथ मेडिसिनल वैल्यू। हर्ब्स जो होती हैं मोस्टली इनमें क्या होता है कि इनसे दवाइयाँ बनती हैं। हर्ब से मोस्टली दवाइयाँ बनती हैं। दे हैव ए सॉफ्ट एंड थिन ग्रीन स्टीम। और इनकी जो स्टीम होती है वो सॉफ्ट होती है और बहुत ही ज़्यादा थिन यानी पतली होती है और सॉफ्ट होती है यानी वो खुद स्टैंड नहीं ले सकती हैं। दे लीव फॉर अ फ्यू मंथ्स। और इनकी उम्र जो है कुछ महीनों तक ही होती है। देखो ट्री जो हैं उनकी लॉन्ग ईयर तक एज होती है। जो स्क्रब होते हैं इनकी फ्यू ईयर्स होती है लेकिन जो हर्ब्स होती है इनकी फ्यू मंथ्स होती है। मिंट एंड कैरिएंडर आर एग्जांपल ऑफ ए हर्ब्स। मिंट एंड कैरिएंडर्स आर एग्जांपल्स ऑफ ए हर्ब्स। मिंट्स देखा होगा जिसको हम लोग पुदीना कहते हैं। पुदीना और जो धनिया होता है जिसको खाने में भी यूज़ लिया जाता है लेकिन मिंट की तो मिंट बहुत सी मेडिसिंस में यूज़ होता है। तो हर्ब्स को मेडिसिन में इनकी मेडिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनको इनमें मेडिकल में यूज़ लिया जाता है। और एग्जांपल दे दिए आपको मिंट एंड कोरिएंडर। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्लैम्बर एंड क्रीपर। क्लैम्बर एंड क्रीपर्स क्या होते हैं देखो ज़रा। क्लैम्बर्स एंड क्रीपर आर ए प्लांट दैट हैव फ्लेक्सिबल स्टीम। दे नीड सपोर्ट। क्लैम्बर्स और जो क्रीपर्स होते हैं उनकी जो स्टीम होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल यानी वो दूसरों के सपोर्ट से खड़े होते हैं। वो उनमें खुद में इतना प्रोटेंशन नहीं होता कि वो खुद जैसे कि ट्री होता है स्क्रब होती है इनकी जो स्टीम है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है वो खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो क्लैम्बर और क्रीपर्स होते हैं इनकी स्टीम थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है इस वजह से ये खुद स्टैंड नहीं होते। इनको सीधा करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल दूँ मैं तो आपने मनी प्लांट को देखा होगा उसको कैसे उसकी ग्रोथ कैसे करवाई जाती है या तो उसको दीवार के सहारे कीलों से बांध दिया जाता है या फिर किसी धागे में बांध कर उसको ऊपर डिक कर दिया जाता है ताकि वो उस धागे के सहारे बढ़ती जाए। वैसे ही क्लैम्बर और क्रीपर्स होते हैं वो खुद के सपोर्ट के बिना सीधे खड़े नहीं हो सकते। उनकी स्टीम जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। पी एंड मनी प्लांट आर एग्जांपल ऑफ ए क्लैम्बर। पी एंड मनी प्लांट मटर की जो बेल होती है उसको देखो और मनी प्लांट जो होता है वो क्लैम्बर के एग्जांपल्स हैं। एंड पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर एग्जांपल ऑफ ए क्रीपर। और पम्पकिन और जो वाटरमेलन है वो एग्जांपल है हमारे क्रीपर के। क्यों? क्योंकि इनके फ्रूट्स बहुत बड़े होते हैं इसलिए ये ज़मीन में रेंगते हुए बढ़ते हैं। समझ में आ गया क्लैम्बर्स और क्रीपर्स। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ टाइप्स ऑफ ए प्लांट में। फर्स्ट था हमारा ट्री जिसकी जो थोड़ा टॉल एंड स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी जो स्टीम होती है वो थिंक एंड ब्राउनी होती है। सेकंड था हमारा स्क्रब जो वुडी एंड ब्रशी प्लांट होता है और जिसकी एज फ्यू ईयर होती है। और एग्जांपल थे हमारे रोज एंड हबिकस। थर्ड था हमारा हर्ब्स। थर्ड क्या था हमारा हर्ब्स। और हर्ब्स में क्या था मेडिकल बेस के लिए इनको मोस्टली यूज़ में लिया जाता है। और मिंट और कोरिएंडर इसके एग्जांपल थे। फ्यू मंथ ही इनकी एज होती है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड थिन इनकी स्टीम होती है। और लास्ट था हमारा क्लैम्बर एंड क्रीपर। क्लैम्बर और जो क्रीपर होते हैं वो फ्लेक्सिबल स्टीम के प्लांट्स होते हैं। वो दूसरों के सपोर्ट के बिना स्टैंड नहीं कर पाते हैं। और क्लैम्बर के एग्जांपल थे हमारे पी एंड
मनी प्लांट और पम्पकिन का था वाटरमेलन एंड सॉरी क्रीपर के थे पम्पकिन एंड वाटरमेलन। तो क्लास थर्ड आज आप लोगों की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक लेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक उठाएंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब होमवर्क क्या है आपका कि आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करोगे। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, तो यहाँ तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करोगे। होमवर्क है आपका, रीड दिस चैप्टर 3 times। गॉट इट। इस चैप्टर को यहाँ तक मैंने टाइप्स ऑफ ए प्लांट जितना मैंने पढ़ाया है यहाँ तक आप लोगों को इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला टॉपिक उठाएंगे और वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।